सो गाइस आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल गेमिंग के यूट्यूब चैनल के अंदर। और फाइनली आज इस वाली वीडियो के अंदर मैंने दो चीज़ें अपनी पीसी के लिए नहीं ली हैं, वो है एक माउस, गेमिंग माउस जो कि आरजीबी वाला है, और वर्ड गेमिंग माउस। उसके बाद मैंने लिया है माउस पैड। तो आज हम इन दोनों चीज़ों की अनबॉक्सिंग करेंगे, तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले हम बॉक्स करेंगे अपना ये गेमिंग माउस। तो ये है एक्समेट का रियो गेमिंग माउस, और ये वाला है आरजीबी वाला, फुल आरजीबी वाला है, और बड़ा भी है काफ़ी, बड़ा तो नहीं है, इतनी साइज़ के आते हैं। और यहाँ पे देखें, ये देख सकते हैं यहाँ पे आरजीबी आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे एक्समेट का लोगो आपको यहाँ पर देखने के मिल जाते हैं। इसमें आपको 6 बटन मिलती हैं, ये है एक राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, मिडल क्लिक, और ये DPI वाला होता है। 2 यहाँ पे दी हुई है बैकवर्ड फॉरवर्ड की, और यहाँ से भी RGB वगैरह निकलती है लाइटनिंग। और यहाँ साइड में देखें, यहाँ पे कुछ स्टिकर्स वगैरह हैं, यहाँ पे भी स्टिकर्स हैं। और पीछे देखें तो यहाँ से कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई हैं। माउस टाइप उनका वायर्ड है, USB वाला है। 6 आपको 6 बटन इसके अंदर मिलती हैं। 6,100 and 800 का DPI स्विच मिलता है। वर्किंग करंट ये मुझे नहीं पता, USB केबल लेंथ 1.5 की है। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो यहाँ पे खोलने पर आपको यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको माउस देखने के लिए मिल जाता है, और एक ये आपको केबल है, और यहाँ पे जो है ये प्लास्टिक में आपको दी गई है। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी खोल सकते हैं, आप मैं खोलता हूँ। तो ये है हमारा मेन गेमिंग माउस, तो इसको चलिए खोल लेते हैं। तो ये ऐसे खुलता है गोल गोल घुमाने से। तो ये जो है निकल चुका है, तो इसको रखते हैं साइड में, इसका कुछ काम नहीं है। और ये है हमारा माउस। तो ये आई थिंक ये थोड़े इसमें आए, जैसे जो मटेरियल्स कपड़े बनते हैं ना, उससे आया है ये, जो है ये वायर आया है। तो छूने काफ़ी कपड़े वाला मटेरियल लगता है। और ये हमारा USB जो कि बहुत अच्छी डिज़ाइन का बनाया है, यहाँ पे अच्छी डिज़ाइन दी हुई है। ये हमारा माउस, मेन गेमिंग माउस, यहाँ से लाइटनिंग निकलती है और यहाँ से भी निकलती है। ये जो जितने भी आ जो आपको सफ़ेद सफ़ेद धब्बे निकलते हैं, यहाँ से आपको जो है RGB देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको देखने के मिलता है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे DPI देखने के मिलता है। ये DPI लिखा है ना, CPI लिखा है, CPI लिखा है यहाँ से, अगर आप देखें तो CPI लिखा है। और ये है हमारा वो कहते हैं इसको मिडल क्लिक, जिससे आप जो है ऊपर नीचे करते हैं, और यहाँ से मिडल क्लिक भी कर सकते हैं। ये आपका लेफ्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है, ये आपका बैक डाउन है, ये आप नहीं सर ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये दोनों बटन्स हैं। और पीछे देखें तो पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल्स का है रियो USB माउस, और बहुत अच्छा गेमिंग माउस है। तो ये मुझे मिला था 399 में। तो इसकी MRP देख लेते हैं, इसकी MRP आप देख सकते हैं यहाँ पे, कहाँ लिखी है, लिखी कहाँ है, हाँ ये लिखी है। तो ये था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है 899, 900 रुपये पर ही मुझे मिली है, लगभग 300 रुपये के आसपास में जो है मिली है, 399 की मिली आई थिंक। तो ये मैंने बाय की अमेज़ॉन से। अब अनबॉक्स करते हैं अपने ये माउस पैड को। तो अरे कैमरा गिर गया, तो मैं ट्राईपॉड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तभी थोड़ा हिल गया था कैमरा, सेटअप ठीक से नहीं किया मैंने। तो ये है हमारा माउस पैड, रेड गियर का MP35 है, जो कि 200 में मिला था, 200 रुपये के आसपास।
और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक कार्डबोर्ड टाइप का है, इसको इसको से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो है ये डिज़ाइन देखने की मिलती है, और ये है ये कार्डबोर्ड, तो इसको भी रखते हैं साइड में। ये साइज यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये फुल साइज़ का नहीं है, जितने में माउस तक आते हैं उतने साइज़ का है। एक है स्पीड प्रो सीरीज, एक आता है कंट्रोल प्रो सीरीज। तो इन दोनों में क्या अंतर है देख देते हैं। तो अभी मैं जो कैमरे में देख रहा हूँ, जिससे मुझे अच्छे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे लिखा स्मूथ टेक्सचर, और यहाँ पे लिखा है रबर बेस, यहाँ पे लिखा हैवली हैवली टेक्सचर वीव, और यहाँ पे लिखा है रबर बेस। तो यहाँ पे कैमरे में देख रहा हूँ, कैमरे देख के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपनी आँखों से नहीं देख रहा, इसलिए थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम आ रही है देखने में। और यहाँ पे RWI लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीवन इज अ गेमर, और ये है रेड गियर का MP35। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ से अपन इसको खोल लेते हैं। तो सील फिलहाल तो नहीं लगी आई थी, माउस में लगी आई थी सील, इसमें नहीं आई। इसमें मैं निकाल लेता हूँ, काफ़ी हार्ड है। और ये है हमारा माउस पैड, तभी मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो मैं इसको भी साइड में रख दिया। अब ये है हमारा माउस पैड, जो कि रोलिंग में आता है, तो ये थोड़ा उल्टा है। अब ये भी पकड़ गया। वाइस ये है हमारा माउस पैड, तो ये रेड गियर का, यहाँ पर रेड गियर का लोगो बना हुआ है, ये जो जी है ये यहाँ पे बना हुआ है। और ये मैंने स्पीड जो अमेजोन स्टाइल में आता है, वो मैंने स्पीड टाइप वाला लिया है, और छूने में काफ़ी सॉफ्ट टाइप का लगता है, पीछे से हार्ड लगता है। तो अब इसको भी रोल करके रख देते हैं। इससे रोल करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में रख ही दे रहा हूँ। और इसकी भी MRP बता देता हूँ। तो इसकी जो MRP है वो है, यहाँ इस पे ये लिखी हुई है, दिख नहीं रहा था। हाँ अब दिख रहा है, ये आपको देखने के लिए मिलती है 550 रुपीज़ में, पर ये मुझे मिली थी 200 रुपये के आसपास, 200 रुपये के आसपास मिली थी, मुझे पक्का याद नहीं है। तो ये था हमारा माउस पैड, और ये हमारा माउस पैड। और बॉक्स के अंदर देखते हैं कुछ और शायद आया हो। तो यहाँ पे मैं बॉक्स के अंदर देखते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ आई है, मैं निकाल लेता हूँ। तो ये है हमारी दूसरी चीज़। तो ये जो है, ये है रेड गियर का एक स्टिकर आया है, जिसको आप कहीं पे भी चिपका सकते हैं, जैसे कि एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके साथ आते हैं दो स्टिकर, वैसे ये एक एक स्टिकर आया है। तो गाइस ये था मेरा पूरा, दो दो चीज़ें जो कि मैंने मंगाई थी अमेज़ोन से गेमिंग के लिए। तो अभी गेमिंग तो PC नहीं है, वैसे मेरे पास लैपटॉप है, और ये यहाँ पे एकदम पूरा प्लेन है। तो अगर मैं थोड़ा गौर से दिखाऊं, तो ये थोड़ा नया टाइप का मटेरियल नहीं लग रहा, देख सकते हो थोड़े से ढब्बे यहाँ पे पड़ गए हैं, कोई बात नहीं। और ये हमारा माउस है, तो इसमें हम रख के जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ताकि अच्छे से अपन मूव कर सकें। तो गाइस ये था मेरा दोनों चीज़ें का अनबॉक्सिंग, होगा आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।